हेलो फ्रेंड्स, मैं राजेंद्र सिंह भल्ला आज आपसे बात करूंगा वन क्योर फॉर ऑल डिसीज की बेसिक थ्योरी के बारे में। ज़्यादातर लोग ये सोचकर वन क्योर फॉर ऑल डिसीज पर विश्वास नहीं करते कि ये एक सिंपल सा जो फार्मूला है, एक सिंपल सा जो प्रोसीजर है, वो इतनी पुरानी क्रोनिक बीमारियों को मिनटों में तो नहीं कह एक या दो दिन में कैसे ठीक कर सकता है 24 से 48 घंटे में। तो आई स्टार्ट विद दैट। तो ये माना जाता है कि बॉडी वेट का 70% पानी है। अब हम एक 70 किलो के आदमी को ले लेते हैं तो उसकी बॉडी में जो टोटल पानी होगा वो होगा 49 लीटर्स के आसपास। इस 49 लीटर्स में से 10% जो होता है वो ब्लड होता है, 10% हो गया 4.9 का, और 90% जो पानी होता है जो 44.1% के लीटर है वो सेल्स और सेल्स के बाहर जो स्पेस होता है, खाली स्पेस, उसमें होता है। और डिसीजेस का एक ही कारण होता है, वो है जब इस और इस पानी के जो प्रोपोर्शंस होते हैं उसमें इम्बैलेंस आ जाता है, तब डिसीज होती है। तो इम्बैलेंस का मतलब क्या है, मान लीजिए ये 8% या 9% या 7% हो गया, ये 91 या 92% हो गया। सो ये इम्बैलेंस की वजह से जितने भी क्रोनिक डिसीजन है, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, स्ट्रोक, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, बाल झड़ना, दुनिया भर की जितनी भी बीमारियां हैं, आंखें कमजोर होना, आंखों में मोतियाबिंद होना, जितनी भी बीमारियां हैं उसका बेसिक कारण होता है फ्लूइड इम्बैलेंस। अब हम उसके बाद ये देखते हैं कि ये फ्लूइड इम्बैलेंस को वन क्योर फॉर ऑल डिसीजेस करेक्ट कैसे करता है। चलिए हम मान लेते हैं कि जो 10% टोटल फ्लूइड का ब्लड होना चाहिए था वो 8% हो जाता है। इसका मतलब है कि ब्लड जो 4.9 लीटर था वो सिर्फ 4 लीटर रह जाता है, और सेल्स में जो 44.1 लीटर पानी था वो 45 लीटर हो गया, सिर्फ इतना सा डिफरेंस पड़ा। अब वो एक ही दिन में कैसे ठीक होता है उसको देखते हैं। खाने के साथ 200 से 250 ml पानी पीने के लिए कहा जाता है पहले दिन, तो 3 मील्स में टोटल करीब 600 से 750 पानी हो जाता है। खाने के साथ जो पानी पीते हैं, और अगर ठीक अमाउंट पानी पिया जाए तो ज्यादा से ज्यादा पानी हमारे ब्लड में जाता है। मेरा मानना यह है कि 3 से 4 रोटी खाने वाले इंसान के लिए एक गिलास पानी रीजनेबल पानी है, और ज्यादातर एक्सपेरिमेंट्स में यही देखा गया है कि इससे एक ही दिन में आदमी ठीक हो जाता है। अब बिना खाना खाने के पानी पीना बंद कर दिया जाता है पहले दिन, तो खाने के बिना यूजली जो हम पानी पीते हैं, चाय पीते हैं, दूध पीते हैं, वो करीब करीब 1 से 1.5 लीटर या इससे भी ज्यादा होता है लोगों का। तो ये जो 1 लीटर पानी होता है, अगर हम 5 लीटर भी कोई पानी पीते हैं तो ज्यादातर पानी तो एज इट इज यूरिन से जल्दी निकल जाता है। तो मेनली 1 लीटर के करीब ही पानी है जो सेल्स में रुक पाता है। तो एक दिन खाने के अलावा जो पानी पीना बंद करते हैं तो उससे 1 लीटर पानी कम हो जाता है, सेल्स और सेल्स के बाहर जो स्पेस होता है उसमें जो पानी होता है। तो इससे जो होता है फ्लूइड बैलेंस जो होता है, जो करीब 800-900 ml से 1 लीटर कुछ भी हो सकता है, वो 24 से 36 घंटे में ऑलमोस्ट पूरा ठीक हो जाता है। तो यही कारण है कि जितने भी क्रोनिक डिसीजेज हैं, जैसे लोगों को एसिडिटी है, 10 साल से प्रॉब्लम है, पर वो यूजली पहले 36 घंटे में फील करते हैं कि वो एसिडिटी उनकी पूरी तरीके से ठीक हो गई। अब ये पूरी तरीके से ठीक होने के बाद में कुछ हद तक ये समस्या दोबारा आती है। उसका कारण क्या है कि हमारी बॉडी हमें हमेशा जो उससे पहले का ठीक अवस्था थी उसमें धकेलने की कोशिश करता है। तो हमारा जो फ्लूइड इम्बैलेंस होता है, जैसे ही हम पानी फिर से पीना शुरू करते हैं तो वो तेजी से फ्लूइड इम्बैलेंस फिर से होने लगता है। उसको कंट्रोल करने के लिए क्या करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा स्टडीज इस एस्पेक्ट के ऊपर कि कितना पानी पीने से वो जो अवस्था है वो मेंटेन की जा सकती है। तो जब तक इसको थोड़ा लार्ज स्केल के ऊपर स्टडीज नहीं किया जाएगा, 10 20 50 लोगों के ऊपर एक साथ स्टडी नहीं किया जाएगा, तब तक इसके बारे में एक्यूरेसी नहीं आ पाएगी। परंतु अभी जो हालात हैं उससे, लोगों के फीडबैक से जो पता चलता है, ज्यादातर केसेस में 60 से 80% आराम मिल जाता है 1-2-3 दिन में। परंतु परमानेंट इलाज के लिए हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट चाहिए, थोड़ा सा स्ट्रक्चर्ड वे में चाहिए। तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि गवर्नमेंट सीनियर ऑफिसर्स तक ये पहुंचे, और ये छोटे से जो फील्ड ट्रायल है अगर इसको किया जाए तो
6 महीने, 3 से 6 महीने या ज्यादा से ज्यादा 1 साल के अंदर दुनिया से सारी क्रोनिक बीमारियां खत्म हो जाएंगी, पीपल विल बी हैप्पी। एंड ये जो फ्लूइड इम्बैलेंस होता है यही हमारा एजिंग का भी मेन कारण होता है। बुढ़ापे में जो लोग कमजोर फील करते हैं, चलना फिरना कम हो जाता है, खाना पीना कम हो जाता है और दवाइयों के खर्च और डॉक्टर के खर्चे बढ़ते रहते हैं, उन सब से छुटकारा हो सकता है। हमें सिर्फ और सिर्फ जरूरत है थोड़ा सा ट्रायल्स को बड़ा करने के लिए, और जो मैंने बोला हुआ है वन क्योर फॉर ऑल डिसीज में उसको अपने आप से कुछ थोड़ा सा वेरी करके थोड़ा सा फीडबैक दीजिए, फिर उसी लोगों को उसी चेंजेस को दूसरे लोगों तक पहुंचाया जाएगा और अलग अलग ग्रुप्स में 10-10, 20-20 लोग उसको ट्राई करके फीडबैक देंगे, तो ये सारी सारी बीमारियां 2-4-6 महीने में, साल भर में इस दुनिया से परमानेंटली खत्म हो जाएंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करके अपने व्यूज बताइए वन क्योर फॉर ऑल डिसीज में आपका क्या एक्सपीरियंस रहा।